तीनों लेखक की राइटिंग पे पुरस्कार मिलेगा। ये देखा जाएगा किसके कितने शब्द लिखे जाते हैं। जियो हमारे प्रकाश भैया, हम तो समझते नहीं थे कि आप भी राइटर हैं। तीन तीन लेखक मंडल में चाचा की कलम देखो चल रही है। थूक लगा के पन्ना ना पलटी है। बुंदेला जी खोज रहे हो तुम भी? क्या बात, क्या बात। अब लीजिए सब्जी के साथ चटनी। आदरणीय भैया श्री प्रभाकर सिंह आपकी ओर से ये 101 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए देखिए अब पब्लिक के देखिए हाथ कहाँ है। कारण ये है कि कीर्तन है और कीर्तन भैया जी मेरी बात समझिए, ये कीर्तन है और कीर्तन एक शाब्दिक आनंद होता है। यदि इसी जगह दूसरा मंच लगा होता तो पब्लिक अपने आप ताली बजाती और चारों तरफ नाच रहे होते लोग, लेकिन ये कीर्तन है, कीर्तन को लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे मालूम है यहाँ का जनमानस कैसा है, कीर्तन को कैसे श्रवण करता है। फिर भी आप लोगों से निवेदन है हमारी ओर से या रिंकी जी ओर से, एक भी पंक्ति अच्छी लगे तो हमारे भैया जी के लिए आप लोग तालियों से सम्मान जरूर करते रहिए ताकि इनका उत्साह बढ़ता रहे। नहीं सवेरे कहेंगे पब्लिक ने ताली नहीं बजाई। यदि आप हमारे सहयोग में हो तो हमारे ओर से या रिंकी जी ओर से कोई भी गीत अच्छा लगे आप तालियों का सहयोग जरूर करें। एक बारी भैया के लिए तालियां बजा दीजिए, आप लोग खोल के हाथ बजा दीजिए। देखिए अब साल के अंदर हाथ है, अब जारे निकालने में बड़ी समस्या हो रही है। ठंडी का समय है ना, पब्लिक शांति से बैठी है सुन रही है, ये भी तो आप समझिए, पब्लिक के भाव को समझिए। बिल्कुल काका के भाव को समझिए। काका देव एक गीत आया, अरे झुक गए चारे नजारे क्या बात हो गई। गीत बजा चुप गए सारे नजारे बात हो गई। तूने काजल लगाया तो दिन में रात फिल्मी दुनिया वाले ये कितना झूठ बोलते हैं। क्या काजल लगाने से कभी रात होती है ना? या कभी हुई है? हमारे गुरु ने तो कुंडलों काजल लगा दिया लिया, लेकिन कभी रात क्या बादल भी नहीं आए। बादल भी नहीं आए लेकिन काजल तो सभी लोग लगाते हैं भैया, लेकिन चितवन की बात होती है। और क्या, कोई लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे खड़खड़े के पहिया में ग्रीस लगा दी गई। और क्या, चुप गए सारे नजारे एक बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। सास रे जब तू नवेली जाएगी ससुराल के ली जाए हमारी देवी सुरमा माताएं बहने बैठी हुई हैं। आपको मैं नमन करता हूँ और ये कटपीस सिर्फ आप लोगों के लिए, सुनिएगा ध्यान से क्योंकि सभी के लिए गीत बारी बारी से। नवयुवक भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी देवी सुरमा माताएं बहने बैठी हैं, सभी के लिए गीत है, सुनिएगा ये कैसे।
अरे परी मांग लाली है सिंदूर वाली अधर पे लगी लाल लाली सुनेगा इस गीत को भरी मांग लाली है सिंदूर वाली अधर पे लगी लाल लाली लगी बाल बिंदी अलग ही चुनिंदी है आनन के कानन में बाली समझो प्रकाश जी ध्यान से नोट करिएगा समझते रहना बाद में भैया गले हार धानी चुनर रात रानी सुमन बाला बालों में कजरा और सारी करारी कमर प्यारी प्यारी ये सो है नैनन में कजरा हमारी माताओं की पावन बिंदिया पायली या महावर है लेकिन लेकिन बाला लागे मधुबाला संग महावर है महावर यानी पति जब तक है तभी तक ये है और यदि पति नहीं है ये सब बेकार है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कहना पड़ा क्या रंग बदलाना श्रृंगारों का ये मिसाल हो गई रंग बदलाना श्रृंगारों का मिसाल हो गई और इनकी जी मेहंदी हरी लगी हाथों में हथेली लाल हो वाह भैया वाह मामला ये है समझते रहे ना बाद में न कहना भैया उमेश भैया लड़िए नहीं मजे के मिलेंगे आराम से लिखिए मजे के मिलेंगे हाँ और क्या पहली बात तो आप आप क्या चाहते हैं आप हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं अरे काका की बात नहीं नहीं आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं ऐसे मजा नहीं आ रहा है क्षमा करिएगा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार आप ये पैसे रखिए अरे काका बहुत दिलदार मैं क्षमा चाहता हूँ आप जिस भाव से बात कर रहे हैं भाव मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ दोनों कलाकार प्रयास कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप भैया को बता दीजिए आप दादा बता दीजिए आप परेशान ना हो अब पब्लिक अब आप कर रहे हैं देखिए पब्लिक उठ के जा रही है ये कर रहे हैं देखिए जा रही उठ के रंग बदलाना श्रृंगारों का ये मिसाल हो गई मेहंदी लगी हरी हाथों में हथेली लाल हो गई मेहंदी तो हरी लगी है हथेली लाल हो गई मेहंदी लगी हरी हाथों में हथेली लाल चल बैठा तो हंगामा हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा अभी तक डूब कर सुनते थे हम किस्सा मोहब्बत के रिंकी जी उस किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा उस किस्से को
हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। दोनों कलाकारों से निवेदन है, कलाकार जिसको लाइव देखा जा रहा है और हमारी आवाज जो आपके कानों को फाड़ रही है, ऐसे दादा सब्बीर साउंड सर्विस राय वैली की धरती पर जल्दी साजबाज में करें जल्दी। तो कहना है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। रिंकी जी, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, अजी सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करके तो जरा देखो, अज्ञानी भी ज्ञानी में बदल जाते हैं, अज्ञानी भी ज्ञानी में बदल जाते हैं और सक्षम कलाकारों के साथ आ रही हैं। पुनः रिंकी जी, अगर आपकी जनता न हंसी तो क्या बजाते हो बाजा। बहुत ही सुंदर सभी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना है, सुना जवाब भी लाजवाब सुना है, और नीचे से कहा है हमारी बिल्ली हमारी से म्याऊं। बेटा ना तो हम बिल्ली है ना तुम बिलौटा हो, ये शुद्ध कीर्तन हो रहा है। मैं चाहती हूँ अन्य कीर्तन की तरह इसको आप लोग खराब ना करें। अगर मैं आपको बिल्ली लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, ये दृष्टि का दोष है, कोई बीमारी हो जाती है किसी को। तो मैं चाहूंगी अगर मैं कान का इलाज करा कर रहा हूँ तो अपनी आंखों का इलाज करा लो। क्यों भैया, ठीक है ना, ना तो हम बिल्ली हैं, अगर हम बिल्ली हैं तो फिर तुम छोटे भाई हो या देवर कुछ भी हो तो परिवार के ही हो। वैसे ऐसा है नहीं, दृष्टि दोष होना नहीं चाहिए तुम। अरे हमारा नारायण है, मैं पास है बेटा, ढोलक वो भी बजा रहा है। बहुत सारी बातें हुई है, तुम्हारी जैसे जाने कितनी रिंकी तिवारी बनाकर छोड़ दी है। बातें कर रहे थे संस्कारों की, ये संस्कार आप में है, कितनी रिंकी तिवारी बना दी, करे कितना पढ़ी हो परवाना जी, हम इतना पढ़े हैं कि तुमको पढ़ा सकते हो। पहले ये रिंकी से लड़ो, जितनी बनाए होंगे पहले। बस ठीक है, यूट्यूब लगा है, बढ़िया बातें आपने की हैं। परवाना जी मैं चाहूंगी कि इसको आप कीर्तन रहने दें, यहाँ पर चिड़िया घर मत बनाइए। बिल्ली कुत्ता क्या बना रही हो, कितना पढ़ी हो, अरे हम जवाबी करने आए हैं तो जवाबी करिए, कीर्तन गाइए। और इतना तुम भी नहीं पढ़े होंगे। और रही बात जनता की, ये अपनी अपनी कैपेसिटी है किसको कैसे डील करना है। अब देखिए जवाबी कीर्तन में पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, ये हमसे सीखिए। सीखो सीखो, एक दिन की प्रोग्रेस कोई प्रोग्रेस नहीं मानी जाती। लौट के भैया घर को ही आएंगे, क्यों संजय भैया कह रहे हैं, संजय भैया और हम भाई भाई हम सकल। निवेदन है, इतनी जनता है, परवाना जी को देखिए, संजय भैया देखिए, चीज देखिए। अरे एक बार गिरजा जी से कहते तो ठीक भी था, लेकिन अब संजय भैया, संजय भैया की स्टील बाटी है बेटा। लेकिन चलिए बढ़िया है, मंडल को दृष्टि दोष है अब हम समझ गए हैं, जब नीचे वालों को तो ऊपर तो हो गई है। बढ़िया जवाब, बढ़िया सवाल, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दोहराए नहीं जाते, कुछ उत्तर भी ऐसे होते हैं परवाना जी जो बतलाए नहीं जाते। अरे वो दशानन तो चाहता था बना दूं स्वर्ग तक सीढ़ी, लेकिन चादर से ज्यादा पांव फैलाए नहीं जाते। मैं फिर कह रही हूँ, कात्यायनी ने कात्यायनी धनुष नहीं धनुष, बीमारी आपको है, रिंकी तिवारी को बीमारी नहीं है, रिंकी तिवारी अच्छे अच्छों को बीमारी खत्म कर देती है। ये सब चैनल में बेटा यूट्यूब में हो गया। कह रहे हैं 1 रुपए नहीं 2 रुपए नहीं 15 रुपए हमसे लो, कान साफ करा करा हमारे यहाँ आइए, हम आपकी दृष्टि दोष खत्म करा देंगे। किस चक्कर में आप पड़े परवाना, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कारण हमारे सहयोगी बोलते नहीं है, और जब बोलते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, बिल्कुल पहले छेड़ते हैं, अगर छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। आइए, काम का दाम होता है, बढ़िया बात आई है, बहुत सुंदर सी तर्ज आई है, पहले तर्ज सुनिए उसके बाद मर्ज सुनिए। मैं निवेदन करूंगी जो इधर उधर भैया दद्दा लोग बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने गांव में बंटवारा कर दिया गया है, हिंदुस्तान चीन नेपाल भूटान अफगानिस्तान ना ना कुछ नहीं पाकिस्तान नहीं कह रही है, ऐसी तैसी पाकिस्तान की।
भैया मैं चाहूंगी आप लोग अगर एक जगह बैठ जाएं तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। अब कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी, हम अपने ओर से प्रयास करेंगे। एक एक लाइन समझ में आएगी, तर्ज बहुत अच्छी है। कैसे? आपने गाया है क्या? अरे छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। बढ़िया कर जाई है। अरे तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। करें नैनन की चितवन होती, हमारे गुरु ने न जाने कितना कुंटलों काजल लगा डाला, कभी बदरा भी नहीं चाहिए। लगाने का तरीका भी होना चाहिए। श्रृंगार जिसके लिए बनाया गया वही तो करेगा, जबरदस्ती कोई करे? भैया नारियों के लिए श्रृंगार है, पुरुष लगाते हैं लेकिन काम चलता हो कि आंखें साफ हो जाए। लेकिन अगर श्रृंगार की बात आए तो 16 श्रृंगार नारियों के लिए ही बना है। बढ़िया बात आप लाए हैं। कानों में बाली, आनंद के कानन में बाली, भरी मांग लाली सिंदूर वाली, घर पे लगी लाल लाली। रंग बदलता ना श्रृंगार को ये मिसाल हो गई। मेहंदी लगी हदी हथेली पर, लेकिन मेहंदी लाल हो गई। शाबाश परवाना जी, अब मॉडल जमाना हो गया है। मेहंदी लाल भी आती है दीदी, आती है आती है, और लाल को लाली कह दे तो क्या फायदा है। वो जमाने चले गए दत्ता, मेहंदी तोड़ कर लाई जाती थी, पीसी जाती थी, फिर लगाई जाती थी। वो बीत गए जमाने, गए अब रेडीमेड का जमाना है बेटा। आप है भैया श्री जगदीश सिंह भैया, आपकी ओर से ये 51 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है। भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है। बस वापसी तुरंत है, हम जाएंगे नहीं बिना दिए। आइए बढ़िया बात आप लाए हैं। श्रृंगारों के विषय में आपने बताया है। अजय सिंह चंदेल भैया पूर्णिया मऊ, आपकी ओर से ये 251 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए प्रयास मेरी ओर से आपके जवाब का है, ध्यान दीजिएगा भैया, बस बहुत जल्दी में जवाब, उसके बाद जवाब चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, घड़ी पर देखिएगा। अब मैं प्रयास कहाँ से कर रही हूँ, हमारी माताएं बहने भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। निवेदन है दीदी, जवाब सुनिएगा। सुनिए। अरे नारी सुहागे, नारी सुहागे, भैया अरे नारी सुहागन कहाँ की तभी है जो श्रृंगार सारे सजाती। दीदी वही सुहागन लहराती है जो श्रृंगार सारे सजाती है। आजकल का मॉडल जमाना है, जिस कलर की साड़ी है अब तो यहाँ तक सिंदूर भी उसी कलर का लगाने लगे। तो काहे की लाली और काहे की गाली, झुमका बरेली वाला चल गया है इधर। दद्दा जब ऐसा देखा, ये 501 रुपए का आशीर्वाद काका देव से आए हमारे रमेश सिंह भैया, आपकी ओर से आए हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम बोल देंगे क्योंकि समय देखकर हमें चलना है दद्दा। बिल्कुल उमेश भैया आप लिखते जाएं, पुरस्कार हम बोल देंगे। अरे पांव की पायल और नाक की नथुनिया, अंगूठी व चूड़ी है बाकी। कैसे मांगी बेली जो मांग की निशान नहीं मिली, और गले मंगल सूत्र मंगल मैं रानी मिली, और हाल गले अरे हार गले का सुहागन वो मिसाल पा गई, हार गले का
सुहागन वो मिसाल पा गई तो, तो, तो अरे नारी बनी सुहागन जब श्रृंगार तो आजकल की कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, मेहंदी कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं, लेकिन एक खास बात सुहागन कब होती है भैया, अरे नारी बनी सुहागन जब वो जोड़ा लाल पा गई। नारी बनी सुहागन जब वो जोड़ा लाल पा गई। अरे नारी बनी सुहागन जब वो जोड़ा लाल पा गई। अब नारी बनी सुहागन जब वो जोड़ा लाल पा गई।